जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैथ में इस समय हम लोग प्रॉफिट लाभ डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित एक वीडियो आज दोपहर में आप लोगों ने देखा है और यह आज का दूसरा वीडियो है, क्योंकि कल का वीडियो नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, तो लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सिलेबस को सही समय पर पूरा कर दिया जाए, जिससे कि आपको रिवाइज करने का भी समय मिल जाए और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सके। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको ऐसा लगे कि वीडियो लंबा हो रहा है तो हमारी कोशिश ये रहती कि प्रश्नों को रटा के नहीं, मैथ के प्रश्नों को समझा के, ठीक है, उसके प्रति आपको अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें, जिससे कि यदि परीक्षा में इससे रिलेटेड किसी दूसरे प्रकार का भी प्रश्न आए तो आप उसको हल कर सकें। इसलिए प्रश्नों की कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर समझाया जाए, रटाने की कोशिश ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 400-400 रुपए में बेचा जाता है, यदि दोनों को 10-10% लाभ पर बेचा गया होता, ठीक है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, दोनों को 400-400 रुपए में बेचा गया, ठीक है, अब ये नहीं पता कि किस पे कितना लाभ हुआ, लेकिन यदि वो कह रहा है, प्रश्न में पूछ रहा कह रहा है कि दोनों पे 10-10% लाभ लेके बेचा गया होता, बताइए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, तो यदि दो वस्तुएं हैं, दोनों पे समान प्रतिशत का लाभ लेके बेचा जाए, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, दोनों पे समान प्रतिशत का लाभ लेके बेचा जाए तो पूरे व्यापार पे इसी प्रतिशत के बराबर लाभ होता है। ठीक है, पूरे व्यापार पे इसी प्रतिशत के बराबर लाभ होता है, चाहे वो वस्तु 400-400 में बेची जाए, चाहे वो 800-800 में बेची जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझने के लिए देखें, यदि कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपए की है, इसको 10% लाभ लेके बेच दिया गया, प्लस 10% लाभ लेके इसको बेचा गया, तो 10% लाभ लेके अगर बेचेंगे तो इस वस्तु को कितने बेचेंगे, 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपए का बिकेगा। दूसरी वस्तु भी मान लेते हैं 100 रुपए की भी थी, ठीक है, इसको भी 10% लाभ लेके 110 रुपए में बेच दी गई, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब क्या है, अब अगर कोई हमसे पूछे बताइए पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यदि हमें पता है कि ये दोनों पे समान प्रतिशत का, दोनों वस्तुओं समान प्रतिशत का लाभ है तो पूरे व्यापार में उसी के बराबर लाभ होगा, यदि हमें पता तो सीधे बता देंगे, नहीं तो हम निकाल के देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, हो गया 220 रुपए, इसको जोड़ेंगे 220 आएगा, क्रय मूल्य कितना था 200 रुपए, व्यापारी ने उसको 200 रुपए में खरीदा और 220 में बेच दिया, उसे लाभ कितना हुआ, इन दोनों का जो अंतर होगा उसी के बराबर लाभ होगा, 20 रुपए का लाभ होगा। प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जितने का लाभ हुआ, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, जितने का लाभ हुआ उसको ऊपर रखिए और जितना क्रय मूल्य था उसको नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हल करेंगे 20 दहा में होता है 200 और 0 0 काटेंगे, पता चलेगा 10% का लाभ हुआ। यहाँ पर हमने हल करके भी देख लिया कि यदि दो वस्तुएं हैं जिनको समान प्रतिशत के लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है, तो उनपे समान पूरे व्यापार पे क्या होगा, उसी बराबर प्रतिशत, उसी प्रतिशत के उसी बराबर के लाभ होगा। इसके 10-10% पे बेचा गया, ठीक है, 10-10% पे बेचा गया तो पूरे व्यापार में 10% का लाभ होगा। ठीक है, यदि इनको 40-40% पे बेचा गया होता तो पूरे व्यापार पे क्या हो जाता, 40% का ही लाभ हो जाता। ठीक है, यदि इनको 60-60% पे बेचा गया होता तो 60% का लाभ हो जाता। तो जितने जितने प्रतिशत पे बेचा जाए, ये दोनों का ये समान है, 60-60, 40-40, 10-10, 20-20, 5-5, 2-2, तो उतने के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, जिसपे हानि होगी। दो वस्तुओं को 600-600 रुपए में बेचा जाता, मतलब उनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यदि दोनों पर 30-30% की हानि होती, ठीक है, दोनों पे क्या होता, 30-30% की हानि होती, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत की हानि होगी, इसी के बराबर होगी, मतलब पूरे व्यापार में 30% की हानि होगी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, निकालने के लिए अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं वस्तु कितने का था, 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 100 रुपए की हमारी वस्तु थी, इसको 30% हानि पे बेच दी गई, -30% कर दिया, तो कितने में बिकी, तो 100 से 30 घटा देंगे, 70 रुपए की ये वस्तु बिकी। ठीक है,
70 रुपए की ये वस्तु बिकी है। एक मिनट, ₹70 की ये वस्तु बिकी है, ठीक है। दूसरी वस्तु भी मान लेते हैं, ₹100 की थी, इसको भी 30% थान पे हमने बेचा, तो 30% थान पर बेचने के बाद ये भी कितने में बिकेगी, ₹70 की बिकेगी। अब कोई हमसे पूछे, बताइए तुम्हारे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, यदि हमें पता नहीं कि अगर दोनों पे समान प्रतिशत की हानि होती, समान घाटा हो, समान प्रतिशत का घाटा होगा, तो इसको निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है, रुपये, और यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा ₹200। कहने का मतलब, कोई वस्तु मैं ₹200 में खरीद के लेके आता हूँ, ₹100 की दो वस्तु लाता हूँ, उनको 140 में बेच देता हूँ, तो पूरे व्यापार पे कितना घाटा हुआ, तो घाटा निकाल लें। सबसे पहले घाटा अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 200 में से 140 घटाएंगे 60 आ जाएगा, प्रतिशत घाटा कितना हुआ, ठीक है, व्यापार में प्रतिशत घाटा कितना हुआ, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 ऊपर रखेंगे जितना घाटा हुआ, और 200 से उसको भाग देंगे, क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है, 60/200 × 100। इसको अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6 कर देंगे, और 2 दहाई 20, इस 0 से 0 को काट देंगे, ठीक है, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30%। कहने के मतलब, पूरे व्यापार में 30% का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो चाहे हम सॉल्व करें, यदि हमें पता है कि यदि दो वस्तुओं को बेचा जाता है, दोनों पर समान प्रतिशत की हानि होती है, तो पूरे व्यापार पे क्या होगा, उतने ही प्रतिशत के हानि के बराबर होगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, ये इससे थोड़ा भिन्न है, कि दो घड़ियां हैं, दोनों को 1-1 हजार रुपये बेचा जाता है, ठीक, दोनों को 1-1 हजार रुपये बेचा जाता है, एक पे 75% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। अब एक पे 75% का लाभ हुआ, दोनों को 1-1 हजार रुपये बेचा गया है, एक पे 75% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, एक पे 75% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है। तो बताइए पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, इसके लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, एक फार्मूला हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है कि 100 ब्रेकेट में P-L, ठीक है, P-L -2PL अपान 200 प्लस पी माइनस एल, ठीक है। यह फार्मूला हर उस जगह लगता है जहां पर यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000 1000 दिया है, यहाँ पे 1-1 हजार रुपये दिया है, ये दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, और एक वस्तु पर, ठीक है, तो एक वस्तु पर पी प्रतिशत का लाभ हो, ठीक है, एक पे क्या हो, पी प्रतिशत का लाभ हो, दूसरे पे एल प्रतिशत का हानि हो, ठीक है, तो पूछा जाए पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगा, उसके लिए 100 × P-L -2PL/200+P-L ये फार्मूला आपको लिख लेना चाहिए, इतने के बराबर हानि होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि कैसे हम याद रखें कहाँ पी माइनस रहेगा कहाँ प्लस रहेगा। देखिए, प्रॉफिट जो होता है उसको प्लस के सिंबल से दिखाया जाता है, लाभ जो होता है उसे माइनस के सिंबल से दिखाया जाता है। तो 100 लिखा हमने, ब्रेकेट लगाया, ठीक है, प्रॉफिट प्लस में होता है तो सीधे पी लिख दिया, लॉस क्या होता है माइनस में तो माइनस एल लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया, 2 लगाया, प्लस का पी था माइनस का एल, आपस में गुणा करेंगे तो माइनस पी, हाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, अपन 200, प्रॉफिट प्लस में होता तो प्लस पी और माइनस एल, ठीक है, इस प्रकार आप चिन्हों को भी याद रख सकते हैं। अब इस फार्मूले पर हम अपने प्रश्न को रखेंगे और हल करेंगे, तो इस पे रखेंगे तो 100, ठीक है, पी का मान दिया गया है कितना, 75%, 75 माइनस क्या हो जाएगा 25, एल का मान क्या है 25 है, ब्रेकेट बंद करेंगे, माइनस का 2, पी का मान है 75 और एल का मान है 25, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, अपान 200 प्लस पी, पी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 माइनस 25। इसको हल करेंगे, अगले स्टेप पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, इतने प्रतिशत के बराबर लाभ या हानि होगी, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 100, ठीक, इसको हल करेंगे तो 75 - 25 हो जाएगा ×50 - 2 × 75 × 25, 25 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 25 × 50 × 75 बटा 200 प्लस 75 माइनस 25
तो हो जाएगा ये टोटल अगर करेंगे 75 माइनस 25 50 हो जाएगा 250, ये हो जाएगा टोटल 250। अगले स्टेप पे हम लोग हल करते हैं। सौ गुणे 50 मतलब 5000 माइनस 50 गुणे 75 तो 0 पहले उतार लेते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 2 37 ठीक है, अपान हो जाएगा हमारा 250। इसको अगले स्टेप पे हल करेंगे, 5000 में से 1350 घटाएंगे 3750 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 1250 रुपये ठीक है, अपान 250 ठीक प्रतिशत ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत लगा दें। अगले स्टेप पे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 से 0 कटेगा, 25 5 125 मतलब 5% के बराबर लाभ होगा, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, इसलिए क्या होगा पूरे व्यापार में 5% का लाभ होगा ठीक है। एक बार इस प्रश्न को और समझते हैं। देखिए यदि प्रश्न में कहा जाए कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, या कहा गया कि 1000 रुपये में बेचा गया है, एक पे क्या हो रहा है 75% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है। एक वस्तु पे क्या हो रहा है 75% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, 100 ब्रेकेट में P माइनस L ब्रेकेट बंद माइनस 2PL अपान 200 प्लस P माइनस L ठीक है। इस फार्मूले पर हम रखेंगे हमारा लाभ या हानि प्रतिशत पता चल जाएगा। तो 100 रखा 75 माइनस 25 ब्रेकेट बंद किया माइनस का 2 × 75 × 25 अपान 200 प्लस 75 माइनस 25, इसको सॉल्व किया यहाँ हो गया 5000, इसको आपस में गुणा किया तो यहाँ आ गया हमारा 3750 बटा 250, इसको हल करेंगे तो प्लस का आया, प्लस का मतलब पूरे व्यापार में 5% का लाभ हो गया ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दो वस्तुओं को 300 300 रुपये में बेचा गया, कहने का मतलब इसका भी विक्रय मूल्य समान, एक वस्तु पे 30% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पे 20% का लाभ होता है, इसमें क्या कहा गया दोनों वस्तुओं पे क्या हो रहा लाभ हो रहा है, एक पर 30% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा ठीक है। तो दोनों पे अलग अलग प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यदि दोनों पे समान होता ठीक है, जैसे यहाँ पे 30% दिया था, यहाँ भी 30% दे देता, तो हम क्या कर देते कि पूरे व्यापार पे 30% का ही लाभ होगा, लेकिन यहाँ क्या है ये यहाँ 30 दिया है, यहाँ 20 दिया है ठीक है, यहाँ 30 दिया है, यहाँ 20 दिया है, इसके लिए इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए वही फार्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा चेंज होगा ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर ठीक है 100 ठीक ब्रेकेट में P1, क्योंकि एक को P मानेंगे तो दूसरे को P मानेंगे सेम हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 ठीक है, वहां पे माइनस यल था लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है लाभ है, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, ब्रेकेट बंद करेंगे, यहाँ पे P1 गुणे P2 करेंगे दोनों प्लस, प्लस का आएगा तो प्लस 2 P1 P2 ठीक है अपान 200, P1 क्या है वो भी लाभ है तो प्लस P1, और P2 क्या है वो भी लाभ है प्लस P2 ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर हम रखते हैं अपने प्रश्न को और हल करते हैं। तो 100 प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 100, P1 हमारा कितना है 30, प्लस P2 क्या है हमारा 20, प्लस 2 × 30 × 20 अपान 200 अपान 200 प्लस P1 मतलब 30 प्लस P2 मतलब 20। इसको हल करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारा 100 × 30 = 20 50 ठीक है, प्लस 2 × 3 × 6 = 600 अपान भी 200 प्लस 30 प्लस 20 मतलब 250 हो गया। अगला स्टेप हमारा होगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5000 प्लस 1200 ठीक अपान 250, इसको जोड़ेंगे 0 0 2 ठीक है 5 1 6 6200 अपान 250, इसको काट देंगे 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा 5 5 25 5 से काटेंगे 5 1 5 5 2
10 और 5 20, ठीक है। इसको और सॉल्व अगर हम करना चाहेंगे तो ये जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आया, 5 चौक 20, 24 सही 4/5 प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है, कहने मतलब 24 सही 4/5% का पूरे व्यापार पे क्या होगा, हमारा लाभ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि दो वस्तु को 400 400 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक पे क्या होता है 30% का लाभ होता है, ने 30% की हानि होती है, दूसरे पे 20% की, दोनों पे क्या हो रहा, हानि हो रही, एक पे 30% की दूसरे पर 20% की, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है, जो पहले लगाया था, लेकिन माइनस प्लस का हम ध्यान रखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हमारा क्या 100, अब दोनों हानि, तो ब्रेकेट में -L1 -L2 रखेंगे, दोनों माइनस के दोनों आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +2L1L2, ठीक है, सही लिख रहा हूं, बटे में क्या होगा 200, दोनों हानि है तो -L1 -L2, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम अपने प्रश्न को हल करेंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा प्रतिशत हानि होगा 100, -L1 की जगह क्या रखेंगे 30, ठीक है, -30, तो -L2 की जगह क्या रखेंगे -20 हो जाएगा, ब्रैकेट में +2L1 की जगह हमारा हो जाएगा क्या 30 × 20/200 -30 -20, इसको हल करेंगे हो जाएगा 100 × -50, ठीक है, +30 × 20, 3 × 2 600 × 2 मतलब हो जाएगा 1200, ठीक है, 1200 / हो जाएगा हमारा 200 से में से 50 घटाएंगे 150। अगले स्टेप पे जब इसका माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5000 प्लस का 1200 / 150, 150। अगले स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 में से 1200 अगर हम घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5000 माइनस का है वो 1200 है, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 5 1 मिनट, जीरो जीरो, 10 में से 2 गए हमारा आ जाएगा 8, और 4 में से 1 आ जाएगा 3, -38 × 100 हो जाएगा 150, इसको काटेंगे ये जाएगा, एक एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और ये जाएगा 5 6 30, 5 7 35, 35 3 38, 5 6 30, 3 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा 3 2 6 और 3 5 15, 25 सही 1/3 प्रतिशत की हानि, क्योंकि आंसर क्या आ रहा माइनस में, तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 25 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा पूरे व्यापार पे हानि हो जाएगी। तो पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत की हानि होगी 25 सही 1/3%। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन हमने क्या किया कि दोनों वस्तुओं का क्या था, जो विक्रय मूल्य था वो समान था, एक पर हानि हो रही थी 20 30% की, एक पे हानि 30% की हो रही थी, दूसरे पे हानि हो रही थी 20% की, ठीक है, दोनों पे हानि हो रही है तो वही फार्मूला हमें लगाना था, लेकिन प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना था। सो हानि हो रही थी -L1, दूसरी भी हानि है तो -L2, ठीक है, प्लस क्योंकि माइनस माइनस गुणा होता प्लस, तो +2L1L2/200 -L1 -L2, ठीक है। उसके बाद इसी पे रख के हमने इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ गया। इसमें यहाँ पे मैंने साधारण मेथड इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफी लेंदी है, ठीक है, और एग्जाम में उससे प्रश्न हल करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको एग्जाम में बहुत कम समय में प्रश्न को हल करा देगा। एक प्रश्न और देखते हैं कि दो वस्तुओं को 600 600 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, दो वस्तुएं थी, दोनों को 600 600 रुपये में बेचा गया,
एक पर क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। ठीक है, एक पे क्या हुआ 20% का लाभ हो गया, दूसरे पे 20% की हानि, मतलब एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि। ठीक है, यदि यहाँ पे ये होता 20% का लाभ होता एक पे, दूसरे पे 20% का लाभ होता, ठीक है दोनों पे 20-20% का लाभ होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, पूरे व्यापार पे 20% का लाभ हुआ। यदि ऐसा होता एक पे 20% का हानि हुई, दूसरे पे भी 20% की हानि हो गई, तो पूरे व्यापार पे क्या हो जाता हमारा 20% की हानि हो जाती। ठीक, ये दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एक पे 20% का लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे पे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही। ठीक है, हानि हो रही है, तो इस पे हमें पूछ रहा है कि व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा भी इसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है उसको याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जैसा कि यहाँ पे क्या है इसका भी 600 दूसरे का भी 600 है, ठीक है एक को यक्ष प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, एक को यक्ष प्रतिशत लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है दूसरे को क्या किया जाए यक्ष प्रतिशत के हानि पर बेच दिया जाए, ठीक है एक को लाभ पर बेचा गया एक को हानि पर बेचा गया, ठीक है तो पूरे व्यापार में सदैव हानि होगी। पहली बात यह है कि पूरे व्यापार में हमेशा क्या होगी हानि होगी, लाभ होगा ही नहीं, ठीक है पूरे व्यापार में क्या होगा सदैव हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितने प्रतिशत की हानि होगी, यक्स बाई 10 का होल। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखा होगा, इतने प्रतिशत के की हानि पूरे व्यापार पे होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है समान है, एक पे क्या हो यक्स प्रतिशत का लाभ हो, यक्स प्रतिशत का लाभ हो, दूसरे पे क्या हो यक्स प्रतिशत की हानि हो, दूसरे पे क्या हानि हो रही है, तो पूरे व्यापार पे क्या होगा यक्स अपान 10 का होल स्क्वायर के बराबर, कितने प्रतिशत के बराबर पूरे व्यापार पे हमेशा हानि होगी। इसी फार्मूले पे हम अपना प्रश्न सकते हैं, यक्स का मान कितना दिया गया 20/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है प्रतिशत लगा दिया, तो इसको इसको काटेंगे आ जाएगा 2, अब 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4% की क्या हुई पूरे व्यापार में 4% की हानि हुई। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने लगभग 6 क्वेश्चन और देखे, ये 6 क्वेश्चन 6 प्रकार के थे और उनके सिंपल से सिंपल तरीका क्या होता है लगाने को उसकी देखने की कोशिश की। अब अगला क्लास इसकी कल होगी आप लोगों की, और कोशिश ये कि समय पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। दोस्तों आपसे फिर एक निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, यदि आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत थी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे क्या है हमारा विश्वावर्धन होता रहे। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।